हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। उम्मीद है भाई आप सब लोग बढ़िया होगे। तो भी स्वागत है यार आपका एक नई वीडियो में। और जो भी आज की मेरी ये वीडियो है यार यार टोटली डिफरेंट होगी मेरी और वीडियोस का, ठीक है। तो इस वीडियो में यार बेसिकली मैं बात करूंगा अपने चैलेंजेस के बारे में, ठीक है, जो मैंने चैलेंजेस फेस करे एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट्स इन ऑस्ट्रेलिया। तो भी जो मेरी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स से लेकर PR तक का सफ़र है, उसके बीच में मैंने जो जो चैलेंजेस फेस करे उनके बारे में बात करेंगे यार इस वीडियो के अंदर। और वीडियो भाई बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होगी, स्पेशली यार उनके लिए जो भी मतलब कि अभी आए हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर, ठीक है, अभी ऑस्ट्रेलिया के अंदर स्टडी वगैरह कर रहे हैं, ठीक है, तो उनके लिए यार काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होगी यह वीडियो। तो मेक श्योर इस वीडियो ना एंड तक देखियो एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। तो भी जो मेरी यार वीडियो है कुछ टाइम तक देख रहे होंगे, ठीक है, तो उन्होंने पता होगा मेरी स्टोरी का कि भाई मैं ऑस्ट्रेलिया कब आया था, क्या सीन था। तो यार इस चीज़ ना दोबारा एक बार रिकैप कर लें, ठीक है। तो भाई मैं ऑस्ट्रेलिया मूव हो गया था 2014 के अंदर। इंडिया के अंदर सिर्फ मैंने अपनी 12th कम्प्लीट करी थी और उसके बाद भाई मैं यहाँ ऑस्ट्रेलिया मूव हो गया था, ठीक है। तो उस टाइम यार मैं 18 साल का था जब यार ऑस्ट्रेलिया में आया था। तो यहाँ मैंने यार अपनी स्टडी वगैरह कम्प्लीट करी, ठीक है, उसके बाद अपना वर्क वीज़ा डाल लिया और उसके बाद भाई मैंने अपने PR, ठीक है, वो डाल दी थी। तो मेरी लास्ट ईयर PR आ गई थी या ऑस्ट्रेलिया के अंदर। तो यार जितनी मतलब कि स्मूथली मैंने बता दिया नहीं अपनी जर्नी, ठीक है भाई, स्टडी वीज़ा उसके बाद वर्क वीज़ा और उसके बाद भी अपनी PR आ गई थी, इतनी स्मूथ यार रही नहीं यार जर्नी, ठीक है। बहुत कुछ चीज़ें जो फेस करनी पड़ी भाई, मतलब कभी ग्राफ ऊपर हो गया कभी ग्राफ नीचे हो गया, ठीक है। तो मैं यार काफ़ी कुछ ऐसी चलता रहा भाई, ठीक है, काफ़ी कुछ चीज़ें बहुत सारी चीज़ें फेस करी भाई, ठीक है, स्मूथ तो यार होता नहीं कुछ भी। और स्पेशली यार जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की लाइफ है यार, मतलब कि यार बहुत कुछ चीज़ें फेस करनी पड़ा। अगर आप जैसे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ऑस्ट्रेलिया के अंदर हो या फिर भाई कनाडा के अंदर हो, UK के अंदर हो, प्रॉब्लम हर एक जगह फेस करनी पड़ा, ठीक है। सेम थिंग मैंने अभी भाई स्टार्टिंग के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम है, ठीक है, वो बहुत सारे चैलेंजेस हैं वो फेस करे थे, ठीक है। अगर मैं अपनी टाइम लाइन की बात करूँ 2014 तक लेकर 2017 तक जब मैं स्टडी कर रहा था, ठीक है, उस टाइम यार काफ़ी कुछ चीज़ें फेस करी। स्पेशली अगर मैं स्टार्टिंग के फेस की बात करूँ ना, जब मैं ऑस्ट्रेलिया आया था, वही है यार स्टार्टिंग में बंदे में मतलब कि अपनी भाई जॉब्स वगैरह ढूंढने में, ठीक है, उन चीज़ों में मतलब बंदा भाई बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो जाएगा, क्योंकि स्टार्टिंग में यार जॉब्स वगैरह इजीली मिलती नहीं, बहुत सारे रेज्यूमे वगैरह बनाने पड़ा भाई, ठीक है, रेज्यूमे वगैरह बहुत सारे देने पड़ा, कहीं तो रिप्लाई आ रहा, कहीं तो मतलब कि कहीं ट्रायल पर जा रहे, कहीं वो कोई भाई मतलब कि एक्सेप्ट कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, ठीक है। तो यार काफ़ी कुछ स्ट्रगल फेस करनी पड़ा स्टार्टिंग में, ठीक है, तब यार जाके अपनी कहीं जगह मतलब कि जॉब्स वगैरह की सेटिंग हुआ। और जो मेरी स्टार्टिंग में सबसे फर्स्ट जॉब थी वो थी भाई सबवे के अंदर, ठीक है, सबवे में ना सैंडविच, जो सैंडविच वगैरह बनावा ना, ठीक है, सबवे में, ठीक है, तो वो मेरी फर्स्ट जॉब थी भाई स्टार्टिंग के अंदर। तो यार स्टार्टिंग में बहुत सारे चैलेंजेस हैं, ठीक है, वो बंदे ने यार फेस करने पड़ा, ठीक। तो यार मेरा जो फर्स्ट चैलेंज था वो था भाई इंग्लिश न लेकर, स्टार्टिंग में जब मैं आया था यार इनके, ठीक है, इनका एक्सेंट वगैरह समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि यार जो OG एक्सेंट है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है भाई, जो हम मतलब कि अपनी आइल्स में पढ़ रहे हैं या फिर PT में पढ़ रहे हैं या फिर यार स्कूल वगैरह में जो इंग्लिश पढ़ रहे हैं ना, ठीक है, वो यार टोटली डिफरेंट है इनके, जो भी इनका एक्सेंट है, ठीक है। और जो यार है कि जो उनसे बोगन बंदे हैं, बोगन मतलब कि भाई जो स्कूल वगैरह में यार जो लोकल बंदे हैं, जो स्कूल स्कॉल में नहीं गए, यूनिवर्सिटी में नहीं गए, उनका तो एक्सेंट जो भाई समझना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है यार, और इतनी मतलब कि तेज़ सा बोल जाए यार। इसका यार के मतलब कि एक सोल्यूशन है, जब आप जैसे अगर अपना सही नहीं समझ में आ रहा एक्सेंट वगैरह, ठीक है, तो यार एम्बेरस नहीं फील करना अपने आप का कि भाई मतलब कि मेरा समझ में नहीं आ रहा है, कोई नहीं यार मतलब कि सीख लेंगे उस चीज़ ना, क्योंकि यार इंग्लिश अपनी फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है, ठीक है। तो वही है जब जब मतलब कि आप प्रैक्टिस करोगे, ठीक है, उनके साथ बोलोगे उनके साथ रहोगे, तो यार आपका ऑटोमेटिकली यार अपनी जो इंग्लिश है, ठीक है, वो इम्प्रूव हो जाएगी। और स्पेशली यार जब हम जैसे अगर इंडिया से आ रहे या फिर नेपाल से आ रहे या फिर यार और कोई सी कंट्री से आ रहे, तो हम यार अब मोस्टली यहाँ पे रहेंगे भी, ठीक है, अपने लोकल अपने कम्युनिटी वाले बंदे के रहेंगे, तो यार इसमें हम क्या कर सकें, तो अपनी घर पर यार इंग्लिश इतनी इंप्रूव होने देनी। तो मेक श्योर जब आप काम वगैरह करो ना, ठीक है, तो यहाँ के जो लोकल बंदे हैं उनके साथ काम करो भाई। अगर जैसे आप रेस्टोरेंट वगैरह के अंदर काम कर रहे या फिर अगर आप किसी और चीज़ के अंदर काम कर रहे, तो मतलब जो यहाँ के गोरे हैं अगर उनके अलावा काम करोगे ना, ठीक है, तो आपकी यार जो इंग्लिश है वो इम्प्रूव होगी। कोशिश करो यार टूटी फूटी जैसे भी बोल लो, ठीक है, मेक श्योर उनके साथ बोल लो, कम्युनिकेट करो, क्योंकि जितना कम्युनिकेट करोगे, ठीक है, जितना उनके साथ बातचीत करोगे अपने काम पर, उतनी ज़्यादा यार आपकी इंग्लिश है, ठीक है, वो इंप्रूव होगी। सेम ही थिंग मैंने भी यार यही करा जो काम वगैरह, ठीक है, मैं रेस्टोरेंट के अंदर काम करा करता भाई, जो मैं OG रेस्टोरेंट है, ठीक है, उसके अंदर काम करा करता, तो यार उनके साथ काम करा, उनके साथ बोल लिया, उनके साथ जितने भी मतलब मेरी जैसे भी इंग्लिश थी स्टार्टिंग में, ठीक है, वो बोल ली, तभी यार इंग्लिश है, ठीक है, वो इंप्रूव हुई। इसका सिंपल सा एक ही सीन है, जब भी जितना भी आप प्रैक्टिस करोगे, जितना उनके साथ कम्युनिकेट करोगे, उतनी ज़्यादा यार आपकी जो इंग्लिश है, ठीक है, वो बढ़िया होती चली जाएगी, ठीक है, आपका जो मतलब कि एक्सेंट है वो समझना स्टार्ट हो जाएगा, अरे इनका एक्सेंट है।
तो वही है यार, अपना स्टार्टिंग में अगर आप भाई स्टेम या फेस कर रहे हो, ठीक है, अगर आपका लैंग्वेज की मतलब ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, तो यार एम्बेरस नहीं होना इस चीज़ का। जैसे भी है यार, आप बोल दे चले जाओ, ठीक है, किसी ना मतलब ही कोई फ़र्क नहीं पड़ता भाई आप कैसी बोल रहे यार। ये अपने अपने माइंड में हुआ कि भाई मतलब कि मेरी इंग्लिश इतनी बढ़िया नहीं है ये, और ठीक है, लेकिन उन्होंने बंदे ना कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, अगर एज लॉन्ग एज कम्युनिकेट कर रहे हो नहीं हम, दैट्स द ओनली थिंग, ठीक है। तो मेक श्योर यार जितना हो सके प्रैक्टिस करो, कम्युनिकेट करो, ठीक है, तभी भाई आपकी जो मतलब कि लैंग्वेज वगैरह वो इम्प्रूव होगी। और भी जो नेक्स्ट चैलेंज था यार जो मैंने फेस करा स्टार्टिंग के अंदर, वो था भाई जैसे कि होम सिकनेस। स्टार्टिंग में यार बंदे ना मतलब कि होम सिकनेस बहुत होगा, ठीक है, घर के कि भाई बहुत ज़्यादा याद आवा स्टार्टिंग में बंदा घर आ रहा, बहुत बार ऐसी सिचुएशन आ जाए बंदे पा कि भाई मतलब कि कुछ नहीं रखे हो रहा, ठीक है, स्ट्रगल ही स्ट्रगल है, सब कुछ छोड़ छाड़ के अपना इंडिया चला जा। ऑलमोस्ट यार हर एक बंदे के माइंड में थॉट्स आवा कि कुछ नहीं यार स्ट्रगल ही है, अपना सब कुछ छोड़ का मतलब कि चल वापस चल यार, मतलब कि कुछ नहीं रखा यार। तो यार वही है, उसी टाइम में यार अपना थोड़ा स्ट्रोंग होना पड़ेगा, ठीक है, मेक श्योर जस्ट कीप गोइंग अप लाइफ के यार, किसी भी सिचुएशन में बहुत सारी चीज़ें हो जो बंदे का मतलब कि एक साथ आ जाए भाई, आपकी जो स्टडी वगैरह है, ठीक है, उनमें यार असाइनमेंट वगैरह बनानी होंगी, ठीक है, आपका काम वगैरह पर कुछ नहीं चल रहा होगा उसी सेम टाइम पर, इनके कुछ रूल्स वगैरह भी चेंज हो रहे होंगे, तो भी उस टाइम में यार आप सिर्फ चलते चलो, ठीक है, जो भी चल रहा है लाइफ में चलने दो, वो लंबे टाइम तक नहीं रहेगा, ठीक है, इवेंचुअली यार आपकी जो मतलब की लाइफ है, ठीक है, वो एट द एंड बड़ी हो जाएगी। अब बात करते हैं भाई जो नेक्स्ट थिंग है वो है यार जैसे कि भाई यार दोस्त, ठीक है, जो आपका सर्कल है, आपका यार सर्कल है ना, ठीक है, अगर जैसे अब अभी ऑस्ट्रेलिया के अंदर आया, तो यार वो बहुत ही ज़्यादा मतलब कि इम्पोर्टेंट है यार, वो अपना यार आपकी जो लाइफ है, ठीक है, उसमें सेफ देवेगा, ठीक है, अगर आपके जो यार दोस्त हैं, ठीक है, अगर वहाँ भाई इंटरेस्टेड हैं, ठीक है, PR वगैरह लेने में, अपनी स्टडी वगैरह करने में, अपने भाई जैसे अगर आप वर्क वगैरह उनका वीज़ा वगैरह, ठीक है, उनमें इंटरेस्टेड हैं, तो यार आप सेम थिंग आप उसी चीज़ में जाओगे। अगर आपके जो उनसे यार दोस्त हैं, ठीक है, वहाँ भाई उनमें पढ़ाई वगैरह में कोई इंटरेस्ट नहीं, ठीक है, उनका यही है कि अपना भाई पैसे वगैरह बनाए और भाई अपनी पढ़ाई वगैरह साइड में डाल दे, ठीक है, तो यार इवेंचुअली आपकी भी मतलब कि जो उनसे आदत है, ठीक है, वैसी हो जाएगी। अगर आपके यार दोस्त मतलब कि भाई स्टडी वगैरह कर रहे हैं, ठीक है, PT वगैरह कर रहे हैं, कोई कोई अपना नाट्य वगैरह कर रहे हैं, ठीक है, अपनी स्टडी वगैरह कंप्लीट कर रखी, अपनी PR वगैरह पर फोकस है, तो सेम थिंग है यार, आपका भी मतलब कि जो इंटरेस्ट है उसी तरीके में जाएगा। तो मेक श्योर यार जब भी आप आओ ना, तो अपना जो फ्रेंड सर्कल है, ठीक है यार, वो बड़े ध्यान से चूज़ करियो कि जब भी आप चूज़ करो, ठीक है, क्योंकि वही है यार स्टार्टिंग में बंदे ना मतलब कि पता नहीं होता, ठीक है, वही अपना बंदा काम वगैरह चलता रहा, ठीक है, अपनी स्टडी वगैरह मिस कर दिया, लेकिन 4-5-6 साल बाद जब देखा मतलब कि उस टाइम तो यार बंदे पर अंदर नहीं कुछ, ठीक है, क्योंकि यार स्टूडेंट वीजे का भी अपना टाइम वगैरह निकल जाए, ठीक है, वो सारा टाइम यार अपना बंदे ने काम वगैरह करने में ला दिया। यहाँ बहुत सारे बंदे हैं यार मतलब कि जो मैंने देखे हैं पिछले, अगर मैं अपने 8-9 साल की बात करूँ यार, जो मेरे मेरे साथ ही आए थे, बहुत सारे बंदे थे वही है यार दोस्त यार, उनके उस टाइम मतलब कि कुछ काम स्टडी वगैरह कर ही नहीं रहे थे, अपना काम काम पर फोकस था, तो आज भी यार उठी हैं मतलब कि कोई PR वगैरह नहीं हो रहा इस टाइम, वही है कुछ मतलब कि इंडिया चले गए भाई, ठीक है, जो कुछ यार है अपना चल ही रहे हैं मतलब कि उनका सर्कल, तो यही है यार, यार दोस्त अपना सर्कल है बहुत ज़्यादा डिपेंड करा भाई जब आप यार आओ, ठीक है, यही आपका मतलब कि आपका फ्यूचर है उसने सेव करा, जैसा आपका मतलब कि फ्रेंड सर्कल है, जिस टाइप के आपके यार दोस्त, अगर भाई वहाँ PR वगैरह के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, उनना अगर है कि भाई यहाँ PR वगैरह लेनी है अपनी, ठीक है, अपनी पढ़ाई वगैरह कंप्लीट करानी, उसके बाद अपनी PT वगैरह करनी, भाई अपना वर्क एक्सपीरियंस वगैरह लेना है, ठीक है, अगर उन बंदे का इंटरेस्ट है उस चीज़ में, तो यार ओबियसली आपका भी मतलब कि इंटरेस्ट होगा, ठीक है, आपका भी भाई आप भी उसी लाइन में चल पड़ोगे। अगर आपके यार दोस्त हैं भाई उनका मतलब कि इंटरेस्ट हो नहीं PR वगैरह में, उनका यही है कि यहाँ पहुँच गए अपना, उसके बाद काम काम फेल दिया, तो वही है यार आप भी उसी लाइन में निकल पड़ोगे, तो यार यह चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करा, ठीक है, अगर आप एक बार अपने जो सराउंडिंग है उसमें देख भी लियो कि भाई अपने जो उनसे यार दोस्त हैं आपके यार दोस्त वहाँ के कर रहे, तो यह सबसे मेन चीज़ है, तो मेक श्योर इस पर यार थोड़ा हाँ अपना वर्क करियो। तो भी यार यही है मतलब कि स्टार्टिंग में बंदे ना काफ़ी कुछ फेस करना पड़ा, लेकिन एक बार यार जब बंदे की जॉब वगैरह की सेटिंग हो जाए, ठीक है, डॉलर वगैरह आने लग जाए अकाउंट में, ठीक है, अपने पीछे घर वगैरह, ठीक है, डॉलर वगैरह भेजने स्टार्ट कर दें, तो यार फीलिंग ही अलग होगा, ठीक है, बंदा इंजॉय कर रहा है, ठीक है, तो वही है भाई ऑस्ट्रेलिया बैठे हैं वाइट, ठीक है, तो भाई अपना यार काम वगैरह, ठीक है, अपना बढ़िया करो भाई, अगर कुछ प्रॉब्लम वगैरह आ रही है, ठीक है यार, यहाँ तो छोटी मोटी प्रॉब्लम है, ठीक है, मतलब कि चल दे रहे वहाँ भी जर्नी में, अगर कुछ और प्रॉब्लम वगैरह आ रही है, ठीक है, तो मेक श्योर मेरे पर यार इंस्टाग्राम पर मैसेज कर दियो अगर कुछ और मतलब कि प्रॉब्लम वगैरह आ रही। सो दैट्स इट गाइज, होपफुली भाई अपना एक वीडियो, ठीक है यार, यूजफुल लगी होगी, इसमें थोड़े से यार थोड़ी सी जर्नी में जो मतलब कि चैलेंजेस वगैरह, ठीक है, मैं फेस करें उनके बारे में बताया, ठीक है, बाकी यार अपना जो वीडियोज़ वगैरह बहुत सारी वीडियो वगैरह आएंगी यार रिलेटेड टू इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, और भी यार काफ़ी सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आएंगी, सो मेक श्योर गाइज
अगर भी अपना चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो मेक श्योर चैनल सब्सक्राइब कर लियो, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय एंड सी या।